राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने का अधिकार है और ये काम सरकार का कर्तव्य है। लेकिन क्या बिहार सरकार इस कर्तव्य को पूरा कर पाने में सक्षम है? बिहार के ग्रामीण स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दूर की बात है, बल्कि आज तक वहाँ पे सही मात्रा में बेंच डेस्क जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हुई है। यहाँ तक कि कई विद्यालयों में पीने का साफ पानी भी नहीं मिला है। हम लोगों ने अपनी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये दिखाया है कि किस तरीके से शिक्षकों की कमी और मूलभूत सुविधाओं की कमी के वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी बांक बिशनपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की भी है। इस विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए ना ही बेंच और डेस्क मौजूद है, बल्कि बच्चों को बोरे पर बैठना पड़ता है और वो बोरा भी उन्हें खुद अपने पैसे से खरीद कर लाना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के लिए पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है। खुद यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि पूरे स्कूल का भवन जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिसके वजह से बच्चों को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकारी अधिकारियों की नज़र से ये स्कूल कभी गुजरा ही नहीं। तो क्या ये माना जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार मिलना था, जो देना सरकार का कर्तव्य था, वो दे पाने में सरकार नाकामयाब रही है? देखिए स्कूलों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या क्या दिक्कत है आपको स्कूल में? सर, हमारे स्कूल में बैठने का व्यवस्था नहीं है सर। बैठने के लिए बहुत बच्चा नहीं है, बैठता है बहुत बच्चा ऊपर पर बैठता है। बोरा लेकर के आते हैं? यस सर। तो और क्या क्या दिक्कत है आपको? सर, पानी पीने की व्यवस्था है लेकिन अच्छा पानी नहीं है, तो सफाई नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? जी, अनामिका कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बांक बिशनपुर की प्रधानाध्यापिका मैं हूँ। विद्यालय का भवन पूरा जर्जर है, दो तीन मतलब वर्ग जो है वहाँ बच्चे बैठाने के लायक नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को एक ही वर्ग कक्ष में दो दो कक्षा के बच्चों को बैठाना पड़ रहा है। इसके कारण बहुत समस्या होती है, बच्चे की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है और पूरा मतलब अस्त व्यस्त पूरा दिन कक्षा का माहौल रहता है, क्योंकि अधिक संख्या से अधिक बच्चे बैठते हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेंच नहीं है, दरी नहीं है। यहाँ विद्यालय में दो दो चापाकल, तीन चापाकल है। बच्चे की संख्या भी लगभग 600 है नामांकित, और उसमें 250, 300, 350 ऐसे बच्चे आते हैं। अब उतने उतने बच्चे एक ही नल पर लगे रहते हैं, मध्याह्न भोजन भी चल रहा है, तो वहाँ भी स्थिति खराब है। हम लोग ऐसे मतलब लिख के दिए हुए भी हैं। किनको लिख के दिए हैं इस संबंध में? डीओ साहब को हम लोग लिख के दिए हुए हैं। क्या कहना हुआ उनका? मतलब उसमें कहें कि आश्वासन दिए कि ठीक हो जाएगा। उसमें कब दिए थे आप? एक सप्ताह पहले लगभग दिए हैं। जी जी, संबंध में कुछ अभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्लास बनवाने में चौथा पचमा दोनों है। अच्छा, दोनों क्लास एक साथ हो रही है पढ़ाई? हम इस सब बेंच पे बैठते हैं, हम सब नीचे में बैठते हैं, हम घर से बोरा लेकर आते हैं, शौचालय मती पानी अच्छा नहीं देते हैं, तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं। हाँ। तो बोरा कहाँ से लाते हैं? घर से। घर से। इस संबंध में आपकी सरकार से क्या मांग? भवन को सबसे पहले ठीक कराया जाए, विद्यालय में बच्चों को वर्ग कक्ष दिया जाए ताकि बच्चे उसमें बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सके। कुछ अलग, अब एक ही देखिए, प्रथम वर्ग के बच्चे बरामदा पे बैठे हुए, उनको हम लोगों को बताया जाता है खेल सिखाइए, चित्र के द्वारा सिखाइए, रंगों के, कैसे वहाँ खेल कराया जाए या कैसे चित्र बना के दिया जाए जो बच्चे उसको देखें और सीखें। सर, हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे स्कूल में सब कुछ की व्यवस्था करें। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, हम बेगूसराय से पत्रकार बोल रहे हैं। बिशनपुर विद्यालय है, वहाँ विद्यालय में जो है बेंच है ही नहीं, सारे बच्चे जो है नीचे में पढ़ रहे हैं। कहाँ, कौन विद्यालय में? बिशनपुर उत्क्रमित। जी, उत्क्रमित विद्यालय बांक बिशनपुर में। जैसा कि यहाँ देखने पर मिल रहा है कि सारे बच्चे नीचे में हैं और एक क्लास में ट्रिपल का ये मर्ज करके सब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बेंच का पैसा सब आएगा तो खरीद लेंगे। हेडमास्टर के पास पैसा नहीं आया होगा, इसी से नहीं खरीदाया। अच्छा, कुर्सी भी नहीं है विद्यालय में बैठने के लिए, हम ही आए हैं, हम खड़े हैं बिल्कुल, एक भी चेयर ही नहीं है, टूटा हुआ है सब। इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और जो जर्जर स्थिति में एक भवन पड़ा हुआ है, बच्चे लोग नीचे पढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका भवन के लेकर के? भवन के लेकर, भवन तो है ही वहाँ पर। नहीं नहीं, भवन टूटा हुआ है, एक तरफ खपड़ैल का जो है भवन नहीं है, तभी तो सब बच्चे एक क्लास में दो दो क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो भवन का पैसा आएगा तब तो भवन बनेगा सर। अच्छा, इसका निराकरण कब तक हो जाएगा आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ। निराकरण, हाँ निराकरण तो हम मैंने सर्व शिक्षा ऑफिस से मतलब वैसा होगा तो तुरंत खबर आएगा और निराकरण किया जाएगा। सर्व शिक्षा इस तरीके से आ जाएगा मैसेज और पैसा आएगा, भवन बनेगा, वो छिपने की चीज है। अच्छा, ये कब तक ऐसा कुछ हमको कुछ बताइएगा। नहीं, क्योंकि इन लोगों का भी कहना है, ग्रामीणों का भी कहना और शिक्षकों का भी कहना कि काफी वर्षों से पड़ा हुआ है और इसी जर्जर इसी स्कीम में हम लोग चला रहे हैं भवन की स्कूल चला रहे हैं, किस तरह से चलेगा सब देखिए। 600 बच्चा नामांकन है यहाँ। सही सही कह रहे हैं, नामांकन है लेकिन पैसा की मतलब आप सब शिक्षा कब देगा, सरकारी के खजाना से कब पैसा यहाँ पर आएगा, तो हम पता लगा के आपको, हम सब शिक्षा मीटिंग में जाएंगे तो हम पूछ के बता सकते हैं। चलिए ठीक ठीक ठीक। आपने देखा कि बाघ बिशनपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सुविधाओं की किस तरीके से कमी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें।